पेपर है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, बीएड का प्रैक्टिकल का वाइवा है। ये ग्रीन कलर में मेन हेडिंग होगा, उसके नीचे मेन क्वेश्चन होगा और आंसर के लिए आपको मेन जो हैं रेड किए हुए हैं उनको सिर्फ समझना होगा, आंसर में उसको याद रखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी है, अंडरस्टैंडिंग है तो इट मीन्स एक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है कि अपने आप को समझना, मतलब अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिलीव्स को, अपने एक्सपीरियंस को समझना, ताकि मैं ये डीपली समझ पाऊँ कि मेरी रियल पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। इंडियन कल्चर में कहते हैं ना कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। मेडिटेशन का एक तरीका भी है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, बार बार पूछते रहिए। पता नहीं इसका आंसर आए ना आए, लेकिन ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये रियल क्वेश्चन है तो आप क्या सोल हो, बॉडी हो, माइंड हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो। रियलिटी स्पिरिचुअल इसका मीनिंग है कि आप सोल हैं और इस बॉडी में रह रहे हैं। क्या बॉडी में सोल है या सोल में बॉडी है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। साइकोलॉजिकली आपने अपने जो है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, ये तीनों एस्पेक्ट को सोशल भी साथ में जोड़ सकते हो, उनको समझ के अपनी रियल पहचान को समझना है। अगर हम बींग ए, अच्छा अगला क्वेश्चन भी यही है कि जस्टिफाई करो कि ये सब्जेक्ट का नाम जो रखा है वो सही रखा है। इसको और तरह कैसे पूछ सकते हैं कि रीज़न बताओ, वाई इज़ द सब्जेक्ट नेम्ड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, क्यों रखा गया है। तो ये क्यों, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस पर और पर्सनल ग्रोथ पर जोर देता है। दो शब्द ये हो गए, तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ पर जोर देता है कि आपकी पोटेंशियलिटीज़ क्या है। पिछली वाली बातें यहाँ रिपीट ही होंगी, कोई ऐसी नहीं आप रेपिटेशन कर सकते हो, क्योंकि इसका कंटेंट ही ये है। अगर इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स में है, टीचर अगर उसको खुद का नहीं पता, खुद की वीकनेसेस, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एस्पेक्ट का एनालाइज उन्होंने नहीं किया, खुद को नहीं जानता, तो वो दूसरों को क्या जानेगा। जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों को समझ नहीं सकता, ये पक्का प्रिंसिपल कुदरत का है। तो दूसरे बच्चों को समझना है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। नेक्स्ट जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है ना, तो पहले सेल्फ को समझ ले फिर लर्नर को समझ सकते हैं। इसलिए आपने उस पेपर के साथ इसको जोड़ देना है। तो अपने आप को समझना है, दूसरों को समझना है, तो ये क्या हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस है। अच्छा, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में हमने पढ़ा है, यहाँ पर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यहाँ पर भी आएंगे और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ना। तो इंट्रा क्या है कि आप अपने आप को समझ रहे हैं, विदिन खुद को समझ रहे हैं, आप समझ रहे हो खुद को, तो ये हमारा पेपर है। तो यहाँ दूसरा पर्सन हो गया, जब आप दूसरे को समझते हो, ये दूसरा कौन होगा, लर्नर होगा। तो ये टीचर है, तो टीचर पहले खुद को समझेगा है ना, और फिर तभी वो दूसरों को समझ सकेगा। जो खुद को नहीं समझ सकता दूसरों को समझ नहीं पाएगा, और दोनों को समझना ज़रूरी है अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए, ऐसे आप जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल्फ का कंसेप्ट क्या है। पिछली बातें रिपीट होगी कि इंडिविजुअल, मेरी खुद की ये परसेप्शन है, मतलब कि मैं मुझको कैसे देखता हूँ है ना, मैं अपनी पहचान को कैसे देखता हूँ, पर्सनैलिटी को, बिलीफ को, वैल्यूज़ को, एक्सपीरियंस को कैसे देखता हूँ, मतलब ये टोटल उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव का थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर का कॉम्बिनेशन हूँ मैं। लेकिन आपने सोल को मिस नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल सेल्फ हमारी वही है। तो वो कैसे रियलाइज़ करनी है, अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसमें योगा है, योगा की लास्ट जो है समाधि है, मेडिटेशन है, मेडिटेशन इज़ द राइट आंसर। तो योगा की जो पहली स्टेजेस हैं, आगे चल के पढ़ते हैं, वो सेल्फ की तरफ ही आपको लेके जाएगी, रियल सेल्फ की तरफ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पर आपने बिग फाइव फैक्टर थ्योरी का जिक्र करना है, ओशीन भी इसको बोल देते हैं, यहाँ पर लिखा होगा ओशीन, इसको याद रखने के लिए। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म, तो ये पांच फैक्टर हैं, बिग फैक्टर हैं। इनकी अगर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि ओपननेस क्या है, जो वो अगर आपके ओपननेस पर्सनालिटी ट्रेट ज़्यादा है, इट मींस आप दूसरे या न्यू आइडियाज़, न्यू एक्सपीरियंस को रिसीव करते हो,
उसके लिए बंद नहीं रहते, ओपन रहते हो, दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी सुनते हो, एक्सपीरियंस भी करते हो, है ना। नेक्स्ट है कॉन्शाइंसनेस है, है ना। तो ये है जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, डिलीजेंट मेहनती है ज़्यादा, ये वो उस पर्सनैलिटी के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक्स्ट्रावर्जन है, जिसकी एनर्जी एक्सटर्नल सोर्स के साथ जुड़ती है, जो वो क्या है, सोशल ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, टीम वर्क में, किसी फंक्शन में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, वो एक्स्ट्रोवर्ट होता है, वो टाकेटिव होगा, ज़्यादा होगा सोशेबल, ज़्यादा होगा इंटरेक्ट दूसरों से, ज़्यादा करेगा, अपनी बात को दिल में नहीं रखेगा, रिस्पेक्टफुली कह देगा, ग्रुप सिचुएशन को ज़्यादा इंजॉय करेगा। एग्रीएबलनेस है, इसके वर्ड से ही समझ जाना है कि दूसरों से एग्री जो करता है, दूसरों का फ्रेंड बनता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करता है, नेचुरली यहाँ पर कोऑपरेशन होगा, एम्पथी वर्ड होगा, है ना। न्यूरोटिसिज्म, ये अबनॉर्मल है। बाकी सारे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनमें से नेगेटिव कौन सा ट्रेट है, नेगेटिव न्यूरोटिसिज्म है, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। तो नेगेटिव क्या है, इसके मीनिंग क्या है, कि इमोशनली जो अनस्टेबल है वो न्यूरोटिक है, जो इमोशनली स्टेबल है वो नॉट न्यूरोटिक है। तो ये न्यूरोटिसिज्म के साथ वर्ड्स कौन से जुड़ते हैं, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग जिसका ज़्यादा होता है वो न्यूरोटिक पर्सन होता है। क्या हम ऐसे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज़, मैंने जो अपनी डेफिनेशन बनाई है वो वेलफेयर है, भला हो, वो बिलीव, प्रिंसिपल्स, रूल जिसके साथ आपका भला होता है, जहाँ दूसरों का भला होता है, जहाँ सबका भला होता है। तो सोशल वैल्यू में सोसाइटी का भला होता है, सेल्फ वैल्यू, पर्सनल वैल्यू में मेरा भला होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे भला है, लेकिन दूसरे का नुकसान करके अपना भला करना वैल्यू कभी नहीं होती दूसरे का, है ना। तो ये ऐसे बिलीव्स है, स्टैंडर्ड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, डिज़ायरेबल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके जो वैल्यूज़ को एथिक्स के साथ भी जोड़ देते हैं, जिसको राइट रॉन्ग, कोहलबर्ग की थ्योरी यहाँ पर आ जाएगी। इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यू ऑन स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, तो जो बच्चा फैमिली से वैल्यू लेता है, स्कूल से, टीचर से, है ना, बड़ों से, अपने आइडियल से वैल्यूज़ लेता है, तो उसके एटीट्यूड पॉजिटिव होंगे, बिहेवियर पॉजिटिव होगा, चॉइसेस अच्छी होंगी, तो उसके कैरेक्टर पर इन्फ्लुएंस होगा वैल्यू का, अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन के वैल्यूज़ का असर क्या होता है, तो अल्टीमेटली उसकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है बेटर होगी बाकी बच्चों से, है ना। डेफिनेशन ऑफ योगा क्या है, योगा का मतलब, वैसे तो योग है, योग का मतलब है कि आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना, जुड़ना है वैसे इसका मीनिंग, तो इंग्लिश में ए लग जाता है, वो डिफरेंट है, वैसे है योग, योग का मतलब हम जहाँ से बिछड़े हैं, जिस सोर से, पानी कहाँ से बिछड़ता है, वाष्प बन के बादलों में जाके पहाड़ों पर गिरता है, फिर नदियों के साथ बिछड़ा हुआ है, फिर समुंदर की तरफ जा रहा है, है ना। जो लाइट है, वो जो अग्नि है, वो ऊपर की तरफ क्यों जाती है, आप आग लगाओ, वो नीचे नहीं, इधर नहीं जाती, ऊपर क्यों जाती, क्योंकि ऊपर उसका सोर्स जो सूरज है, सन है, वो ऊपर है, पानी नीचे को क्यों आता है, क्योंकि समुद्र उसका सोर्स है, हमारी आत्मा का सोर्स क्या है, वो ऊपर, वो योग के जरिए उससे जुड़ना है, है ना। तो उसके पतंजलि का जो, अच्छा ये क्या है, ये फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ ग्रोथ, तीनों को, माइंड, स्पिरिट, बॉडी, तीनों की केयर के लिए हेल्पफुल है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करनी। तो पार्ट्स ऑफ योगा क्या हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा ये पूछा जा सकता है, उसमें ये पतंजलि के 8 जो हैं ये रहे, ये फिजिकल आसन पोस्चर यही हो गया इसको, ये हाँ ये 8 आपने बताने हैं, यम नियम आसन, पहले ये याद रखना है, यम नियम आसन पता होगा, लेकिन मीनिंग पूछा जा सकता है। तो रिस्ट्रेन, अपने आप को रोकना, ये एथिकल्स प्रिंसिपल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है, सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है ना, 8 धर्म इंडिया में और वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं, हर धर्म में यमज है, यम्स मीन अपने आप को रोकना, रोकना किससे है, नेचुरली नेगेटिव कामों से रोकना होगा, वायलेंस नहीं करनी, है ना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी,
है ना। तो ये जो बातें हैं नॉन नॉन इनके आगे आता है, दूसरे के धन या दूसरे की संपत्ति पर अपनी इच्छा नहीं रखनी, सीधे आसन या लंबे लंबे श्वास लेने से कुछ नहीं होना, जब तक आप एथिकल नहीं हो तो प्राणायाम का फर्स्ट स्टेप पूरा नहीं होगा। नियम क्या है, ऑब्जर्वेंस है, पर्सनल अब प्रैक्टिस करनी है, आपने एथिकल अच्छे बन गए, मोरालिटी बेस होगा सभी रिलीजन में, पर्सनल प्रैक्टिस है सेल्फ डिसिप्लिन की, इसको अंडरलाइन कीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स अपने आप पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, वो प्रैक्टिसेस है, रोज़ अपनी सफाई करनी है ना, संतुष्ट रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, अपनी स्टडी करनी है, तो हायर पावर को सरेंडर करना, हायर पावर कौन सी है वो वाली, तो ये प्रैक्टिस रोज़ करनी है। तो ये तीसरी है आसन, ये हमें पता है हमारे सिलेबस में है, फिज़िकल जो हम उसकी हेल्थ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए, ये बॉडी पर फोकस है, बॉडी ठीक होगी मंदिर ठीक होगा, मंदिर ये बॉडी है एक्चुअल में, है ना, तो मंदिर ठीक होगा तो अंदर जो है वो वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, पता है आपको, डीप ब्रीद कर लंबे लंबे सांस लेके एनर्जी को अपवर्ड लेके जाना है, धीरे धीरे अपवर्ड जाती है, जिससे एनर्जी सेंटर जो हैं हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, तो वो उनको पावर मिलती है, वो खुलने लगते हैं, एनर्जी अपवर्ड जाती है, आप पॉजिटिव होने लगते हो, आगे क्वेश्चन भी आएगा। प्रत्याहारा, हमारी सेंसेस हैं हमारी एनर्जी को बाहर लेके जाती है, जैसे आप कुछ सुंदर चीज़ देखते हो वहाँ ध्यान कर, तो वहाँ ध्यान चिपक गया तो अंदर ध्यान नहीं लगेगा, दैट इज़ वाई सेंसेस जो एक्सटर्नल हैं, आँखें हैं, अच्छा सूंघना देखना वगैरह है, 5 सेंसेस, उन पर कंट्रोल रखना है, उनको बाहर एनर्जी ज़्यादा नहीं लगानी, डिटैच करना है ना, धारणा, कंसंट्रेट करना एक बिंदु पर, ऑब्जेक्ट पर, ध्यान, मेडिटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कंसंट्रेशन के बाद आप रेगुलर डीप उस स्टेट में चले जाते हो, बाहर के ध्यान नहीं रहते। समाधि है कि आप उस पावर के साथ मिल गए हो, ये बात है। टाइप ऑफ आसना, टाइप तो वेरी डिफरेंट टाइप है, यहाँ मैं वैसे पूरी लिस्ट नहीं कर पाया, आप अपनी जो कॉपी है उसमें से ही इसका आंसर दीजिए, है ना। स्टैंडिंग है, सिटिंग वाले है, फॉरवर्ड बेंडेड है, बैकवर्ड बेंड है, ट्विस्ट वाले है, इंटरवर्जन है, मेरे पास तो ये है परफॉर्मेंस। आपको कह सकते हैं कि कोई आसन है वो करके दिखाओ परफॉर्म, तो आपको कम से कम एक आसन दो आसन करके वो देख लेने चाहिए, वो कब करना चाहिए आसन, उसके फ़ायदे क्या हैं, वो गलत ढंग से करोगे तो नुकसान क्या है ना, समय और स्थिति का कैसे ध्यान रखना है। ब्रांचेज ऑफ योगा, तो ब्रांचेज ऑफ योगा में है राज योगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ज़िंदगी के लिए भी समझ लेना चाहिए, इसको रॉयल योगा भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये कहाँ पर जो है फोकस कहाँ करता है, ये मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस, दो बातें इसकी याद रखनी है, मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस, ब्रह्म कुमारी वाले कराते हैं ना। तंत्र योगा, तो ये रिचुअल्स पर ज़्यादा है, चांटिंग, मंत्र को उचारना बार बार, है ना, एनर्जी पर वर्क करते हैं ये। हठ योगा, किसी फिज़िकल पोस्चर में रेगुलर बने रहना, वहीं पर बने रहना, बेशक अपने आप को तकलीफ़ होती रहे उसमें बने रहना, तो प्लस है इसमें ब्रीदिंग कंट्रोल भी है, तो ये बैलेंस करने के लिए बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। देखिए हर कोई भी गलत नहीं है, मान लीजिए आप अपने गुरु की, सतगुरु की जो बताई हुई विधि है, मेडिटेशन है, उस वो कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी हट कर सकते हो, किसी देर बैठे हो, आपको कहा जाता है 2-3 घंटे के लिए अपने मेडिटेशन करनी है, तो आप 30 मिनट में 15 मिनट में थक गए, वहाँ हट कर लो, बैठे रहो, बैठे भरो, उसके बाद एक स्टेट आएगी कि आप बॉडी से ऊपर जाओगे, आपकी बॉडी स्टिल हो जाएगी, तो वहाँ भी हट वहाँ करना है, ये करना है नहीं करना आपका। तो कर्म योगा है ना, तो कृष्ण जी को आप याद कर सकते हैं, जो काम करोगे अगर अच्छे करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा फल मिलेगा, तो अच्छे क्या करने हैं, निष्काम एक्शन जो करने हैं, सेल्फलेस, इसको अल्ट्रिज्म भी बोलते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के काम कर रहे हो, इसका अपना ही मज़ा है ना। ज्ञान योगा, नॉलेज,
सेल्फ की भी नॉलेज, स्क्रिप्चर की भी नॉलेज जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, और वो अल्टीमेट ट्रुथ की भी नॉलेज, तीनों की नॉलेज को जानना। डेवलपिंग पॉजिटिविटी, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पॉजिटिविटी कैसे डेवलप करोगे। आप टीचर हो, आप बच्चों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, है ना। तो वहाँ वो जो है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव बातें वहाँ ज़्यादा होंगी, नेगेटिव बातें का नहीं होंगी। पॉजिटिव पर ही फोकस करना है ना, जो जो बच्चा कर सकता है उस पर फोकस कीजिए। रेजिलेंस, अगर दुख में चले जाते हो जल्दी से वापस आना है, दुख में से निकलना है, स्ट्रेस में से जल्दी से बाहर निकलना है। बच्चे ने कुछ अचीव किया है तो उसकी सेलिब्रेशन करनी है, उसको अच्छा लगेगा, है ना। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसकी पॉजिटिव वे से, अच्छा बेटा आपसे ये गलती हुई है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आप ये ऐसा कर सकते हो जैसे आपने वहाँ नहीं किया था, जैसे पिछली बार भी ऐसे किया था वहां भी आपने ऐसे किया था, ये भी आप कर सकते हो, ये एक बार हो एक बार हो सकती है। तो सारा कुछ पॉजिटिव ये है, था नेगेटिव लेकिन आपने पॉजिटिव ढंग से कहा कि यू कैन डू। कल्टिंग ग्रोइंग माइंड सेट, ओके। डेवलपिंग सेल्फ एस्टीम, तो ये सेम पिछले बारे आंसर ही रहेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस देते हो। ईशान को है रंगों के साथ खेलने के बोल दिया तो रंगों के में वो वेस्ट आ गया, सक्सेस हो गई। सक्सेस से वो उसकी बाहर एस्टीम, जो सेल्फ वर्थ थी, सेल्फ वैल्यू थी, है ना, मैं मेरे को जो रिस्पेक्ट देता हूँ वो बढ़ गई, आई कैन डू यार, तो वो वाली बात है। सेल्फ ग्रोथ की बात करनी है, बिलोंगिंगनेस है, अच्छे रिश्ते है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्शन नहीं देनी, वो जो भी हैं उनको एक्सेप्ट करना है, लेकिन पॉजिटिव पर फोकस करके धीरे धीरे नेगेटिव को, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो पिछले वाले ही हैं ये। प्रमोटिंग इमोशनल इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, सेफ एनवायरनमेंट देके और सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ हेल्प की ज़रूरत है हेल्प दी जाएगी, है ना, जहाँ बच्चे अच्छा कंफर्टेबल इंजॉयबल फील करें। सोशल इमोशनल स्किल्स है, रेगुलेशन स्किल्स है, एम्पथी है कि दूसरे की फीलिंग को समझने की, है ना, जो है एक्सरसाइज करवाई जाएगी। रिफ्लेक्शन क्या है, अपने आप को क्रिटिकली, जो अपने एक्सपीरियंस है उनको क्रिटिकली सोचना कि मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, वो ऐसा क्यों हुआ, मैं इसे बेटर कैसे कर सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, मीनिंग के लिए। रिफ्लेक्टिव जर्नल है, एक डायरी है, एक बुक है जिसमें मैं लिखते हूँ अपने एक्सपीरियंस, क्या हुआ था एक्सपीरियंस में, मैं अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, मैं फ्यूचर में बेटर उस एक्सपीरियंस को कैसे कर सकता हूँ, अगर ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है तो मैं किन बातों का ध्यान रखूँगा। तो ये आप रोज़ अगर लिखते हो अपने थॉट्स, फीलिंग, ऑब्जर्वेशन उसमें प्लस करते हो तो वो एक बुक जो है रिफ्लेक्टिव जर्नल है। राइटिंग रिफ्लेक्टिव, तो आप अपने जो एक्सपीरियंस है उसको डिस्क्राइब करते हो, ऐसे ऐसे हुआ, एनालाइज करते हो, उसके टुकड़े करते हो, ये अच्छा था ये बुरा था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बेटर होना चाहिए था, है ना। तो लर्निंग पॉइंट, मैंने लर्न क्या किया उसमें, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर एक्शन है। सेल्फ क्रिटिकल है, अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करना है। इनकलकेटिंग वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स कैसे करोगे, हाउ कैन वैल्यूज़ आप बच्चों में, स्टूडेंट्स में, सोसाइटी में वैल्यूज़ को इनकल्केट करोगे। आपने अपनी लर्निंग थ्योरी को याद करना है, अल्बर्ट बांद्रा को याद करना है कि बच्चों के सामने आपने अच्छे रहना है, बनना नहीं, नाटक नहीं करना, रहना है। सच बोलते हो बच्चे सच बोलेंगे, आप मेहनत करते हो बच्चे मेहनत, आप हेल्प करते हो बच्चे हेल्प करेंगे। तो ये बातें जो मॉडलिंग है, आदर्श बनना है, वो कोई बच्चा अच्छी बात करता है उसको शाबाश देनी है, रीइन्फोर्समेंट देनी है, टॉफ़ी भी दे सकते हो। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस के सोसाइटी में सिचुएशन दे के, बेटा यहाँ ऐसी बात करनी है, लड़कियों से ऐसी बात करनी है, वगैरह वगैरह, ये बात आ गई, है ना। तो मीडिया को भी यूज़ कर सकते हो आप। कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, तो बड़ी तरह की है यहाँ पर, मॉरल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, पर्सनल वैल्यू है। मॉरल में ऑनेस्टी की एग्जांपल है, सोशल में रिस्पेक्ट और एम्पथी की एग्जांपल है, कल्चरल में ट्रेडिशन और हेरिटेज की एग्जांपल है, स्पिरिचुअल में कंपैशन, ग्रेटिट्यूड की एग्जांपल है, पर्सनल में ऑटोनमी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एग्जांपल है। डेवलपिंग कैपेसिटी फॉर एम्पैथेटिक लिसनिंग, एम्पैथेटिक लिसनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छे काउंसलर तभी बन सकते हैं अगर आप ध्यान से उसके बनके, उसके
दर्द में डूब के समझते हो, लेकिन दर्द में डूब नहीं जाना, आप बने भी रहना है, थिंकिंग को, रीजनिंग को भी कायम रखना है ताकि आप उसकी हेल्प कर सको। दोनों बातें साथ साथ में, इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो ये कैसे होगा? एम्पैथेटिक लिसनिंग, तो आप पर्सपेक्टिव टेकिंग की है ना एक्सरसाइज करवाओगे, दूसरे के व्यू पॉइंट को कैसे समझना है। मान लीजिए आपके उल्ट किसी के व्यू हैं, लेकिन आप सोचिए यार वो शायद जहाँ जिस स्थिति में है वो ठीक है, ऐसा सोचिए। सोच के उसके पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, अदरवाइज क्रिटिकल डिबेट वो लगेगी, एनर्जी लग जाएगी आपकी। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने आप को समझना, दूसरे को समझना और एक अच्छा डिसीजन ले पाना। एम्पैथी को प्रैक्टिस करना, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन है करना, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाना, ये ऐसी बातें हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है जी? ये है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, मैं मेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरपर्सनल ये जहाँ जो बताया था, या इंटरपर्सनल मैं मेरे से बात कर रहा हूँ, इंटरपर्सनल ये इंटर है, मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ, और ग्रुप एक से ज़्यादा जाने बात कर रहे हैं, ये ग्रुप वाला हो गया। तीन तरह की, इंट्रा, इंटर एंड ग्रुप। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फॉर एग्जांपल है मीटिंग हो रही है, मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे जा रहे हैं, वो फॉर्मल है ना है। इनफॉर्मल है, आप बातचीत कर रहे हो, फ़ोन पर बात कर रहे हो, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हो। ग्रुप डायनमिक्स, ग्रुप डायनमिक्स जो है इन्फ्लुएंस है बिहेवियर के, लेकिन चार स्टेजेस इसकी बताई गई हैं, इसको डिफाइन करना है। पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन या पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर दैट अक्कर विद इन ए ग्रुप, तो यहाँ से मुझे भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन चार स्टेजेस हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होता है इसमें। और क्या शामिल है कि इन्फ्लुएंस ऑफ रोल्स, नॉर्म्स, लीडरशिप, पावर डायनमिक्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको समझने के लिए ये समझ लीजिए। वैसे ये एग्जांपल ऊपर थी, ये टक मैन ने ना चार स्टेजेस इसकी दी हुई हैं। फर्स्ट है फॉर्मिंग, कोई ये एग्जांपल ले लीजिए, टीम वर्क है क्लासरूम में, ग्रुप प्रोजेक्ट एक बच्चों को दिया है, 10 जाने हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो वो दिया तो ग्रुप बन गया, ग्रुप में फॉर्मिंग स्टेज आ गई है ना। तो मेंबर आपस में मिले हैं, उन्होंने सेट किया हमने 5 दिन में ये गोल अचीव ऐसे ऐसे कर लेना है, इसको ऐसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट में आ गया गोल अचीविंग, स्ट्रॉमिंग, अब तूफान आ गया कि मेंबर 10 के 10 हैं, विचार नहीं मिल रहे, झगड़ा हो रहा है, एग्रीमेंट नहीं है, डिसएग्रीमेंट है ना। तो नॉर्मिंग फर्स्ट था, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड नॉर्मिंग, अब नॉर्म बनेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट जो है वो उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे, आपस में एग्रीमेंट हो जाएगा और वो कहेंगे ऐसे हम मिलके चलेंगे और ये गोल को अचीव करेंगे। परफॉर्मिंग, अब वो इकट्ठे होके काम करते हैं। तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ स्टेप्स ऑफ अ ग्रुप डायनमिक, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये एग्जांपल हैं, टीम वर्क है इन क्लासरूम, ग्रुप प्रोजेक्ट है, इसकी एग्जांपल दे दो, ग्रुप डिस्कशन की एग्जांपल दे दो इन सेमिनार, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की एग्जांपल दे दो इन टीम, लीडरशिप डायनमिक्स की कम्युनिटी में एग्जांपल दे दो, ये एग्जांपल हो सकती हैं। पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ ग्रुप डायनमिक क्या हैं, क्या करना है कि अल्टीमेटली कोऑपरेशन को, कलेबोरेशन को एनहांस करना है, कम्युनिकेशन अच्छा हम स्किल जो, जब कम्युनिकेशन में मैं अपनी बात कह पाता हूँ, मैं दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ रहा हूँ, तो एग्रीएबलनेस के तरफ आप बढ़ेंगे, जैसे वो था 5 फैक्टर वाला एग्रीएबलनेस है ना, दूसरों को समझना। तो डिसीज़न मेकिंग आप अच्छी कर पाओगे, अपने झगड़ों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। कोहेसिवनेस, एकजुटता है ना, मोरेल, हौसला बढ़ता है, प्रोडक्टिव, आपका जो काम प्रोजेक्ट करना था अच्छे से कर पाओगे। तो ये बातें हैं जो कर सकते हो ग्रुप डायनमिक के जरिए। फैसिलिटेटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल इन स्टूडेंट्स, तो ये कैसे करोगे, सोशल स्किल्स जो हैं कैसे डेवलप करोगे, आंसर क्या है, टीम वर्क है, कोलेबोरेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, एम्पैथी है, पर्सपेक्टिव टेकिंग है, कम्युनिकेशन है, एक्टिव लिसनिंग है, सपोर्ट्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, ये सभी बातें रिपीट हुई हैं, इसलिए ये जल्दी से बोल रहा हूँ। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे, इसके अलावा आप जोड़ सकते हो। अल्टीमेटली ये पेपर इसलिए है कि आप अपनी बॉडी वाली सेल्फ, मेंटल सेल्फ और अपने यहाँ वाली सेल्फ को समझ लो। जब तक या अगर जिसने ये समझ लिया तो वो बॉडी और माइंड
टीचिंग उसकी अच्छी हो जाएगी। जब जब अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है, ये एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेवल है, एक मेंटल अवेयरनेस लेवल है, एक बॉडी अवेयरनेस लेवल है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेवल जब बढ़ जाता है तो निचले लेवल खुद खुद बढ़ जाते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेशन, पोलाइटनेस, वैल्यूज जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मेडिटेशन से सब कुछ धीरे धीरे सॉल्व होने लगता है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पेपर इज टू मेडिटेट। मेडिटेशन करो, ध्यान पर बैठो, रोज बैठो, टाइम बढ़ाओ। और अगर आप अपने आप में चेंज नहीं पाओगे, अगर आप अपने आप को समझ नहीं पाओगे, तो मेरा आके कर देना। ओके, बाय।